सर जहाँ पर ब्राइट में फॉर्मेट छोड़ देंगे सर जहाँ ब्राइट वहाँ छोड़ देंगे बट यहाँ पर भी कर यहाँ बाद में जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो हम व्हाइट लगा के मिक्स करेंगे सर नीचे आप सर ब्लर तो सर वहाँ पर हाँ तो मिक्स करो ना यहाँ पर नीचे तुम्हारे पास इसको तो धीरे धीरे ले आओ छोटा ब्रश है ना खादन के पास धीरे धीरे जाओ इन्हीं कलर को नीचे ले जाओ समझे साइड वाला कलर जैसे लाओ इधर वाला कलर जैसे लाओ ताकि लाइन भी दिया जाए मिक्स करते एक बार ऐसे ऐसे ये ठीक है ऐसे मिक्स करते हैं मैथ के मल्टीप्लाई है ना तो आता था उसका थ्योरी कुछ कंप्लीट करा रहे थे कल भी इसका एग्जाम उसको बोल देना जाने को कल एग्जाम कल क्लास होगा कि क्लास ऑफ है ऑफ है एग्जाम कैसे होगा तो कल क्लास ऑफ है ना अरे कल क्लास ऑफ है तैयारी तो करो ना अगले पेपर की मेरे कहने का मतलब है कि जो बोर्ड एग्जाम है उसको दे लो ये सब चीजें क्या है कोर्स कंप्लीट हो गया एग्जाम हो चुका है कोई फायदा नहीं आज हम पढ़ा भी देते है कि नहीं हाँ तो बैठ जाओ बैठ के पढ़ाई करो ना कुछ है
समझा ना कैसे मसला, ऐसे ही आपने पूरी बॉडी पर जहाँ जहाँ आपको दिखे से फिंगर वो करना है और चेंज कर और प्रैक्टिस करो। ज़्यादा दबाना नहीं होगा, देखो ब्लेड कट जाएगा ना, ये चिपक जाएगी, है ना? बहुत सारे क्यों कर रहा है? अभी पहले पूरा पेट का स्टमक का जो पार्ट है, इसका स्टमक का तो ठीक है, दिख रहा है सर, हाँ सर। अभी ये व्हाइट होने के लिए कोशिश करना कि स्पेस छूट जाए, नहीं छूटता कोई दिक्कत नहीं, बाद में व्हाइट कलर लग जाएगा। सर व्हाइट तो यहाँ इधर में था, वो छोड़ देगा, पूरा छोड़ देगा जो है ना, कलर ले नहीं है। शैडो तो पहले तो बेस वाला कलर लाइट है, बेस वाला कलर क्या लाइट, उसको पहले कर फिर शैडो से ऊपर से दूसरा कलर चला की बात करें, फिर बेस में बचा बचा के करना होगा, है कि नहीं? और ये बेस कंप्रेस को लाइट करना शैडो में ये उसमें क्या करो पूरा शैडो की बात करना, ठीक है? एक बार ये ऑफलाइन पे दोबारा देना डाक को कॉर्नर के एज पर यहाँ पे देखो डबल लाइन है, ये डबल लाइन जो है वो शेडो की है, डार्क और लाइट की है, दो लाइन की है ना, एक लाइन किधर पढ़ रही थी? हल्का पढ़ी। एक ही बार ब्रश को उठाओ, ठीक है? फिर को प्रॉपर गोल कर लो, ऐसा लगेगा कि पिचका हुआ कैसा? है ना? बीच में लग रहा था कि वो कंजेस्टेड हो गया है।
थोड़ा ऊपर है सर, कम नीचे। यहाँ तो धोती का सर है सर, डार्कनेस तक। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर डार्क कलर हुआ ना एक मैच का, हाँ सर, ये डार्क कलर लेके आओगे पहले तो क्या करो सर, उजला वाला इतने एरिए में आपका यहाँ से यहाँ तक ये डार्क है ना, हाँ यहाँ डार्क लगा दो पूरा सर। ये सर माला सर, माला चाहो तो छोड़ दो, बाद में दोबारा वाइट लग जाए क्योंकि अभी इसके ऊपर पिंक भी लग रहा है, उसके ऊपर रेड कलर लग के इसके वो आएगा इसके ऊपर क्लियर और लगेगी सर। तो बीच के लिए कोई हल्की रेड लगे, रेड लगा देंगे उसमें, रेड दें अभी दीजिए सर, मिक्स करके गड़बड़ ना कर दो। ये नहीं दिया बाद में भी कर सकते हैं, है कि तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, वाला है चाहो इस पर भी कलर डाउन ही आएगा तो करोगे बाद उसके ऊपर डालोगे ड्राई कलर ही लगेगा ठीक। अभी आप पहले ब्राउन वाला वो कर लो, मतलब उसके रेड के चक्कर में नहीं पड़ो, डार्क सेट जो सेट है ना उस सेट को हाईलाइट करो। स्केल काम ना तो पीछे लटका दो, स्केल का भी काम ना पीछे कर दो, अच्छा लटका हुआ पता हुआ छोड़ना पड़ता है व्हाइट के लिए। हाँ व्हाइट लगाओ ना, फिर व्हाइट वाला स्किन टोन है ना, ब्रश साफ करो
है ना, इतना कर लेते हाँ वो करो वहाँ पर कलर करो, कलर निकाल लो और कलर बना लो, ट्यूब में है कलर। कैसे बनता है सर? ब्राउन कलर है, पार्टनर ब्राउन शाइन है, इसको खत्म करते ये वाला, फिर नया वाला खोलना है। ये खोल दिया है मैंने नया, चौथा तो नया भी है। ये सब लेने से निकालो, फिर दोबारा निकालो। निकाल लो और क्यों परेशान, रंध ऐसे ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है बोली, रंध 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 उतने हो जाएगा सब कुछ। क्या गीला करना है उसे? इसमें व्हाइट मिक्स करोगे तो ये कलर आएगा, उसमें और व्हाइट मिक्स करोगे तो ये कलर आएगा। ठीक है, बस बस बहुत है वो इतना व्हाइट मिक्स कर। बस इतने रिक्वायरमेंट उतना ही करो। बड़ा एरिया कवर करना है सेम टोन से तो बड़ा प्रेशर पड़ेगा ना। ये जो लाइन बनाई थी वो लाइन होनी नहीं चाहिए। बड़ा लगा इसका
ये जानो ना लाइट फेड जो है वो रहना चाहिए, लाइट फेड नहीं तो बेकार हो जाए। ये भी है वो भी है ना, जो शेड है जो शेड है वो रह गया तो आप ध्यान दें इसके साथ जिस सराउंड में जैसे शेड के बॉडी का प्रेस में चलाएंगे मिक्स कर लें। आप छोटा बर्तन भी यूज कर सकते, छोटा सा बड़ा छोटा यूज कर, ठीक है। सर कैसे पेंटिंग सर का पोषण है जरा जरा थोड़ा पैड में रख पर थोड़ा सा छोटा मिला कर सर किस तरह से पेंटिंग निकालेगा सर। अब यहाँ पर कौन सा कलर है इससे लाइट होगा, लाइट रेस के अकॉर्डिंग यहाँ से लगाओ और फिर जाके मिक्स कर दो, ठीक है। हल्का सा इससे उठाओ लाइट होगा सबसे लाइट होगा इधर बढ़ जाए इधर बढ़ जाए ठक बीच में लगा करो इसे भी इससे कुछ के लगा अब इससे इससे मिक्स करो टेस्ट मिक्स करो मिक्स करो इसे इसको पर कुछ की साइड लेकर जाओ, ठीक है। और फिर बाटी बड़ा बड़ा सोच करते बाहर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो वो धागे वाला लाइन दिखाई यहाँ पे था, यहाँ पे धागा था ना, उसके उस साइड यहाँ लाइट है ना, तो अब दस का प्रेशर जो है वो कम रखना है, क्या करना कम दस का प्रेशर जो है वो क्या करना कम रखना है, क्योंकि ज़्यादा दबाओगे तो क्या होगा निचोड़ा कलर आ जाएगा, तो अपने ये कलर लेना है आउटर लाइन पर एक बार, ठीक ये हो गया, कम क्या करना है इसी को मिक्स करना है, ठीक है और आगे गया हो गया ना हाईलाइट हो गया ना। ऐसे ही अपने काम करना, लाइट डार्क को समझो कैसे डार्क करना है कैसे लाइट करना है। हाँ।
उसके बाउंड्री बांध दिया अंडरसाइड और उसका हाथ है वो ध्यान से देखो यस डार्क कलर कलर है वो हाथ है उनका उसको ब्रश ऐसे कर दे सर लाइट वाले को ही खींच के ले आओगे इधर लाइट वाले को ही ले आओगे छोटा वाला बस बिल्कुल साफ करना ड्राई करो इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करो यहाँ नीचे लाइन दिख रही लाइन नहीं दिख रही थी ब्रश को साफ करो ड्राई करो है ना अरे ब्रश खा लेना हमेशा पानी में ज्यादा भिगोगे बहुत तेजी से फैल जाएगा है ना उसके बाद नहीं करो अब ये जो टेक्सचर यहाँ देख रहे हो वहां से देखो ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर ये वाला इस वाले एरिया पर क्या बने ये जो लाइट दिख रही है ना तो बारीकी से आता है कहाँ कहाँ पर और उस व्हाइट कलर को उस एरिया में लेके जाना है ध्यान से देखो किधर फैलाना है हाँ जी इधर है तुम्हारा कोई गड़बड़ नहीं हो रहा ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ये पैच अलग हो जा रहा है उसको मिक्स करें और वाइट कलर में हाँ वाइट कलर में एक मिनट ये जो शेडो तुमने बनाई ये लाइट वाला व्हाइट वाला हिस्सा है ना यही स्किन टोन तो नीचे तक है पर ये कलर क्यों मिक्स मैच हो जा रहा है तो इसको फिर से मैच करो ड्राई ब्रश है क्या कोई दिखाई नहीं है ना देखो ये तुमने यहाँ जो डार्क कर दिया ना उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ ये वाला जो पिछला वाला हिस्सा है और बैंड हो रहा है हाँ नीचे तरफ से और ये बैंड हो रहा है देखो ये अगर सेटअप हो सके हाँ शायद ये सुनने के लिए दे दिया है व्हाइट होना चाहिए ये जबरदस्ती का तुमने डार्क बना दिया इतना डार्क है नहीं है ना तो सही करो व्हाइट लगाओ वहाँ पर पूरा और व्हाइट लगाओ ना प्योर व्हाइट लगाओ
ठीक है ग्रेट, व्हाइट कलर लगा दो उसमें। अब सर इसको ब्रश ये वाला से कर सर, ये वाला से मिक्सिंग कर, इसकी जरूरत हर जगह हर बार नहीं पड़ती, ठीक है एक बार खाली स्मूथ करने के लिए काम करते हैं। इसको ले आओगे ये बाद में जब ब्लू वाला कलर लेगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा अपने, और फिर जब सूख जाएगा ये तो हम हल्का सा व्हाइट लाकर और हाईलाइट कर लेंगे बाद में। ठीक है ये अपने यहाँ पर देखो हल्का सा ब्राउन है, दिख रहा है व्हाइट रिफ्लेक्शन लगाओ सर, इसको कैसे पीछे बैकग्राउंड में मिक्स हो गया वो कलर है कि नहीं। मैंने क्या कहा ब्रश का स्ट्रोक हल्का हल्का ही कलर लगा रहे हो, ये ऑयल कलर है ठीक है, जितना मिक्स करोगे होता चला जाएगा। यदि आपको हाईलाइट करना है तो आपने क्या करना उस एरिया पर लगा के ऐसे, ये आपका है इस प्रेशर को ध्यान दीजिए, प्रेशर नहीं बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाओ नीचे वाले मिक्स हो जाएगा ठीक है। मिक्स करो डाला, मिक्स हो गया इसमें है ना, और अच्छे से मिक्स करो, ये हो गया इसको इतने हल्के से मिक्स करो कि बस रह जाए व्हाइट, दिखा है ना दूर से देखो आंखें आधी करके ऐसे करके देखो कितने समझ में आएगा ठीक है। जब कल सूख जाएगा तब इसके ऊपर जब कलर लाओगे तो ट्राई ठीक है। छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान दीजिए कैसे इसको क्या करना है।
इधर तुम्हारा ही है ना, इसे ऐड कर रहा हुआ है, ये वाले को ब्लर करके इधर लेके आ, जैसे ये वाला कलर है ना इसमें, क्योंकि हार्ड एजेस हो गए तुम्हारी यहाँ से, ब्लर डल नहीं, इसलिए से अलग दिख रहा है छोटा बड़ा। एक और होगा ऐसा, पता नहीं कौन सा कलर लगा हुआ है, पता नहीं बनेगा, साफ तो है। ब्लर कर कि परछाई दिखाई, ये काम करेगा साफ है ना, ठीक है। जहाँ पर मिक्स करना है बहुत हार्ड है, ध्यान देना वहाँ पे अपना ये वाला हल्का वाला कलर लगा उसके ऊपर चढ़ा दो, वो चढ़ जाए। अरे क्या कर दिया, कितना डार्क कर दिया, कहाँ इतना डार्क कर दिया, व्हाइट कहाँ है उसका हाईलाइट अभी करना बताया ना, स्टमक पे यहाँ पे की हो ना, सेम वही प्रोसेस यूज करो वहाँ पे। आप जा सकते हो, आपकी टाइम हो गई। ठीक ठीक। अरे कितना वाइट, जितनी जरूरत है बस हल्का सा, पहली पेंटिंग इतना मतलब है कि तो इसका मतलब ये नहीं पूरे रंग पे रंग करो, क्या बताया आपने, इसको यहाँ से ये साइड पे लगा लेते हल्का सा, ठीक। फिर क्या करते, मर्ज कर लेते उसको धीरे से, तुम लोग या तो पूरा व्हाइट कर दे रहे या तो पूरा ब्लैक कर दे रहे, लाइट शेड को प्रोडक्ट है ना, पूरा व्हाइट नहीं करो, अब इधर से ये इधर ब्राउन लगा उसको मर्ज करना होगा उसको, है ना। देखो किधर व्हाइट लगा है, कहाँ इसको ऊपर लगा ना, अपर साइड में, अपर साइड कहाँ लगा, यहाँ स्कूले पर लगाओ, यहाँ तो बस इस एरिया जहाँ पर है वहाँ पर कोशिश कर लगा लो, हर जगह नहीं करना पड़ता, ठीक। चलो इधर आज इतना ही रहने का, बाकी कल करते हैं, ठीक है।